सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। हिंदू वैदिक सनातन धर्म में जो भी त्यौहार हैं उनका एक वैज्ञानिक तथ्य है, अर्थात हमें संकेतात्मक मैं ब्रह्म हूँ इस ओर ले जाने का साधन है। इतना ही नहीं, नर से नारायण होने की साधना है वैदिक सनातन धर्म के जो ये तीज त्यौहार है। इसलिए शिवरात्रि भी, और शिव मतलब भगवान शिव के स्वरूप को हम ज्ञान मानते हैं, भगवान शिव का तीसरा नेत्र हो और हमारी मनोवृत्ति भगवान शंकर की ओर लगे और धीरे धीरे हम मानव से महामानव और महामानव से आदि शंकर की ओर बढ़े हमारी जीवन की यात्रा, इसलिए हम भगवान शिव के इस महापर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, ताकि ये याद रहे कि भगवान शिव अजन्मा हैं, अविनाशी हैं, त्रिकाल आबादित्वम सत्यत्वम है, वो कालों के काल हैं, वो महाकाल हैं। ऐसी साधना हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन का जो ये जो दुख है कि मैं मर जाऊंगा, इस मृत्यु के भयानक दुख से बच सकें, इसलिए हम इस महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर सब जुड़ते हैं और उसको पूरे श्रद्धा के भाव के साथ भगवान शंकर का स्मरण करते हैं और तद्रूप होते हैं। तद्रूप हो जाने का मतलब भगवान शंकर के साथ एक आत्मता को जब हमारी वृत्ति प्राप्त होती है तब हम मृत्यु के पार जाते हैं। यही इस शिवरात्रि महापर्व का महत्व है और इसको हमें पूरी दृढ़ता के साथ मनाना चाहिए।